नमस्कार। बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपसे हम साझा करने के लिए आए हैं। द फॉलोअप देख रहे हैं आप और मेरा नाम विवेक आर्यन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोरोना के इस भयावह संक्रमण में, भयानक संक्रमण में अपने आप को भी, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख रहे होंगे। समाचार का की शुरुआत करते हैं। बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस वक्त मेरे पास बिहार सरकार के गृह विभाग का आदेश है, विशेष शाखा का, जिसने लॉकडाउन की घोषणा की है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखकर बताया है, घोषणा की है, जानकारी दी है कि बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या यह लॉकडाउन पूर्ण रूप से है, संपूर्ण लॉकडाउन है, या क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इसके लिए हम सीधे गृह विभाग का जो हमारे पास आदेश है हम उसी को रेफरेंस में लेंगे और वहीं समझते हैं कि जो बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है वो दरअसल किस तरह का लॉकडाउन होगा, वो पूर्ण रूप से होगा नहीं होगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन अलाउड होगा नहीं होगा, वो सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे और उठ रहे हैं लाजमी से, उन सभी का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे जो कि गृह विभाग के आदेश में निश्चित तौर पर लिखा है और हम यहीं से देखेंगे। देखिए, अपवाद कुछ चीज़ों का कहा गया, तो ये कहा गया कि ये जो लॉकडाउन जो है वो 15 मई तक के लिए लगाया गया है। आज हम 4 मई में बैठे हैं और आज से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि जिस तरह के आदेश में लिखा गया। जो अपवाद है, जो कहा गया है, वही कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। इसमें कौन कौन सेवाएं आते हैं? जिला प्रशासन आती है, पुलिस आती है, सिविल डिफेंस आती है, विद्युत आपूर्ति के जो विभाग यानी बिजली विभाग आता है, जलापूर्ति आती है, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और न्यायिक प्रशासन के संबंधित न्यायिक प्रशासन की जो चीज़ें हैं उस पर न्यायालय निर्णय लेगा। इसके अलावा जो चीज़ें हमने अभी आपको बताई, प्रशासन, पुलिस, जो कुछ विभाग सरकार के, इनको लोग छोड़कर सभी चीज़ें बंद रहेंगी बिहार में। हम आगे बढ़ते हैं जो आदेश में दूसरा जो पहलू है हम उसकी तरफ देखते हैं। अस्पताल और अन्य संबंधित सेवा प्रतिष्ठान चालू रहेंगे। अस्पताल जो है वो खुले रहेंगे, ऑफकोर्स उन्हें खुला रहना है क्योंकि अस्पतालों की ज़रूरत इस राज्य में, बिहार में सबसे अधिक है। वो चलता रहेगा। जो उनके निर्माण और वितरण काम को लेकर, स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो भी निर्माण होते हैं और जो वितरण होते हैं, कि दवाइयों की बात कर रहे हैं या वैसे इक्विपमेंट जिनका इस्तेमाल अस्पतालों में होता है, उनसे संबंधित दुकान जो है वो खुले रहेंगे। सरकारी निजी दवा दुकानें खुली रहेंगी, मेडिकल लैब खुले रहेंगे, नर्सिंग होम खुले रहेंगे, एम्बुलेंस की सेवा यथावत चलती रहेगी और संबंधित प्रतिष्ठान चलते रहेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें बंद रखने का आदेश दिया गया है। वाणिज्य और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। अपवाद में क्या क्या है बता देता हूँ। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये खुले रहेंगे, बाकी सभी चीज़ें बंद रहेंगी। अच्छे से ध्यान देकर सुन लीजिए बिहार के लोग कि क्या कुछ खोलने का आदेश है और क्या कुछ नहीं। देखिए, अपवाद में यानी कि बैंकिंग खुले रहेंगे, बीमा और ATM संचालन से संबंधित जो प्रतिष्ठान है वो खुले रहेंगे, औद्योगिक और निर्माण कार्य होते रहेंगे, सभी प्रकार के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, ई कॉमर्स से जुड़ी हर गतिविधि चलती रहेगी, कृषि और इससे जुड़े कार्य होते रहेंगे, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी हैं अपना काम करते रहेंगे, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां भी चलती रहेंगी, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, LPG आउटलेट्स खुले रहेंगे, पेट्रोलियम आदि से संबंधित तमाम जो चीज़ हैं वो खुले रहेंगे, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल फूल सब्जी, इन सभी चीज़ को जो दुकानें हैं या जो वेंडिंग है वो भी खुले रहेंगे, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएँ खुले रहेंगे, निजी सुरक्षा सेवाएँ खुली रहेंगी। ये चीज़ें अपवाद में थी जो कि खुले रहेंगे, बाकी सभी चीज़ों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अब हम आते हैं कि बाकी जो आम जो गाइड, ये तो दुकानों को लेकर था कि क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ नहीं, लेकिन गाइडलाइन जो हमारे लिए क्या है, हम और आपके लिए गाइडलाइन क्या है जो दुकानों से संबंधित नहीं रखते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी कि आप पैदल भी हैं तब भी, गाड़ी में हैं तब भी, अनावश्यक किसी मार्ग पर घूम नहीं सकते हैं बिहार में। ये नियम लागू किया गया है 15 मई तक के लिए, जो कि लॉकडाउन लगाया गया है। पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं है जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉकडाउन है और इसमें ये चीज़ें कही गई है। आप अनावश्यक घूम नहीं सकते हैं, चाहे आप पैदल हो या गाड़ी में हो, किसी भी रूप में। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, सभी प्रकार के, निजी, प्राइवेट, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सिर्फ अपवाद में वो वाहन हैं
उन वाहनों को छूट दी गई है जो वाहन रेलवे या फ्लाइट को लेकर जो कनेक्टिव चीजें हैं, जैसे कि रेलवे और फ्लाइट को लेकर छूट दी गई है। रेलवे का परिचालन चलता रहेगा बिहार में और फ्लाइट का यानी कि हवाई सेवाओं का परिचालन चलता रहेगा। ऐसे में जो लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं या एयरपोर्ट जा रहे हैं उसके लिए जो आप सेवा ले रहे हैं बस या ऑटो का, वो चलता रहेगा, लेकिन उसमें 50 लोगों का मैक्सिमम कैपेसिटी, 50% लोगों का मैक्सिमम कैपेसिटी दिया गया है, यानी जितनी क्षमता उस बस या ऑटो या जिसमें भी आप जा रहे हैं उसकी है, उसके आधे लोग बैठेंगे, और यह सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए है। बाकी सभी प्रकार के वाहनों को का परिचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न जो वाहन हैं उनको छूट मिली है, यानी कि जो एम्बुलेंस है वो तो ऑफकोर्स है ही, साथ ही जिन वाहनों में दवाइयों का ट्रांसपोर्टेशन होता है या कुछ और काम जो स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि उनको छूट दिया गया है। अनुमान्य कारणों से जो संबंधित कार्यालय है उनको छूट दी गई है। वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष छूट मिला है, वो निजी वाहन जो जिला प्रशासन की अनुमति से चल रहे हैं उनको छूट है, वो चलते रहेंगे, ऐसा बिहार में आदेश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों को छूट है। जितने मालवाहक वाहन हैं उनको छूट मिली है कि वो बिहार में चल सकते हैं। सभी निजी वाहन जिसमें हवाई जहाज ट्रेन यात्री के सफर कर रहे हो, ट्रेन या हवाई जहाज का चूंकि परिचालन चल रहा है, तो वो निजी वाहन यानी कार या बाइक जो आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने के काम में आ रहा है, उन लोगों को छूट दिया जा रहा है। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों को और अन्य आवश्यक अनुभवों सेवकों को छूट दी गई। जो कर्तव्य पर यानी अगर पुलिस वाले हों या सरकारी डॉक्टर हों या ऐसे कोई लोग जो सरकारी विभाग में हों और अपने काम ड्यूटी पर जा रहे हों, उन लोगों को छूट मिली है। सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों से आने वाले निजी वाहन को छूट मिली है, यानी कि अगर आप झारखंड से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से बिहार जा रहे हैं या किसी भी राज्य से जो अंतर्राज्यीय वाहन है, उन लोगों को छूट दी गई है, वो चलते रहेंगे, बाकी सब चीज़ों को बंद करने के लिए कहा गया। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, कोचिंग बंद रहेंगे, सभी संस्थान जो ट्रेनिंग देते हैं चाहे वो ITI हो, तमाम तरह की चीज़ जहाँ पे शिक्षण संस्थान जो चल रहे हैं उन्हें बंद रहने का आदेश दिया गया है। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी, इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक चलेगा। जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खाने के लिए हम जो जाते हैं, वहाँ बैठकर लोग नहीं खा सकेंगे, वो खुलेंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी के लिए, यानी होम डिलीवरी के लिए वो दुकान खुल सकते हैं, प्रतिष्ठान खुल सकते हैं जहाँ से आप खाने का, यानी जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं उनके लिए बात हो रही है। यह जो छूट दी गई है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक के लिए, इसके इतर आपको अलाउड नहीं है। सभी धार्मिक स्थल जो है वो आम जनों के लिए बंद रहेंगे, मतलब कि खुले रहेंगे लेकिन आम जन नहीं जा सकेंगे, आम जनों के लिए बंद, यानी कि हम और आप जो लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो पूजा पाठ के लिए वहां नहीं जा सकते हैं। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक से जुड़े जितने हैं वो बंद रहेंगे, वो बंद रहेंगे। सभी तरह के सिनेमा हॉल, पार्क, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, उद्यान, इन सभी चीजों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन नहीं होगा, सरकारी हो या निजी हो, सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन किसी प्रकार का, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, सभी आयोजनों पर बैन लगाया गया है, वो आप नहीं कर सकते हैं। विवाह समारोह, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है जितने लोग जुड़े हैं उनमें सभी की इच्छा होगी कि वो जान सकें कि आखिर विवाह समारोह में क्या कुछ गाइडलाइन आया, क्योंकि विवाह का टाइम चल रहा, लगन का उत्सव है और कई शादियां हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे झारखंड में हो चाहे बिहार में। देखिए शादियों को लेकर क्या कहा गया, मैं पढ़ देता हूं। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित की जाने की अनुमति है, 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, ये गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा गया है, यानी शादियों पर रोक नहीं है, शादियां आप करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 लोगों की है, किंतु इसमें DJ और जुलूस की इजाजत नहीं है। अच्छा, देखिए बिहार में एक अंतर ये देखने को मिला कि DJ आप नहीं बजा सकते, शादी में 50 लोग होंगे, DJ नहीं बजेगा, और जुलूस यानी कि जो बारात घूमते हैं, जो हम सड़कों पर नाचते हुए चलते हैं, उसकी इजाजत नहीं है।
आप सिर्फ शादी करेंगे, मंडप का बाकी जो घर का जो काम है वो अलाउड किया गया है, लेकिन 50 लोगों के मैक्सिमम लिमिट के साथ। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों के लिए सीमा जो है निर्धारित की गई है। शादी अलाउड है, 50 लोगों की मैक्सिमम सीमा है जो उसमें उपस्थित हो सकते हैं। जुलूस नहीं निकलेंगे यानी बारात नहीं घूमेगा, डीजे नहीं बजेंगे, और शादी के कम से कम 3 दिन पहले आपको स्थानीय थाने में, जो लोकल आपका थाना है, वहाँ 3 दिन पहले एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि शादी हमारे यहाँ है और हम इस तरह का आयोजन करने वाले हैं। साथ ही जो श्राद्ध कार्यक्रम होता है यानी जहाँ मृत्यु हो जाती किसी व्यक्ति की, ऐसे कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों की इजाज़त दी गई है शामिल होने के लिए। इसके अलावा जो कुछ जो छूट है वो जिला प्रशासन की तरफ से आपको मिल सकती है। तो देखिए, मिला जुला कर बात यही हुई बिहार में लेकर। संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं है, पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया गया, लेकिन आंशिक लॉकडाउन है। कई तरह के गाइडलाइन जो दिए गए हमने आपको बताया, द फॉलोअप के पेज पर जाकर आप उस जो संबंधित खबर है वो भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बिहार में तमाम चीज़ें, कुछ चीज़ों को बंद किया गया है, कुछ चीज़ों की इजाज़त दी गई है। महत्वपूर्ण बात शादी की होती है, शादी को लेकर हम फिर से रिपीट कर देते हैं, 50 लोगों की इजाज़त है। आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, डीजे नहीं बजा सकते हैं, लेकिन शादी होगी और इसकी सूचना आपको 3 दिन पहले कम से कम अपने लोकल थाने में देनी होगी। श्राद्ध कार्यक्रमों में यानी कि किसी के डिमाइस पर, किसी के डेथ पर, आप अधिकतम 20 लोगों के साथ अपना कार्यक्रम कर सकते हैं जो आपके अंत्येष्टि कार्यक्रम होता है। इसी नोट पर बिहार से संबंधित खबर को हम खत्म करते हैं। हम झारखंड में इस वक्त मैं बैठकर आपसे बातचीत कर रहा हूं। झारखंड में एक बार लॉकडाउन लगा था और एक बार उसे एक्सटेंड किया गया है, यानी कि उसे बढ़ा दिया गया है, और पूरी उम्मीद है, लोग ऐसा आशंका जता रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन आज जब हम बैठकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों के सचिव के साथ बैठकर बातचीत की है, बैठक हुई है, और जब 29 तारीख को लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा था, 29 तारीख के पहले 28 तारीख को, तो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि जब ये लॉकडाउन जो 6 मई तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो 6 के पहले भी बैठक होगी और फिर ये निर्णय किया जाएगा कि क्या इसको फिर से बढ़ाए जाने की जरूरत है या नहीं। वो बैठक शायद आज हुई है और शायद ये बैठक फिर कल भी हो, वो देखने की बात होगी। बहरहाल अभी तक ऐसी कोई बात मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं कही गई है जिससे कि ये कहा जा सके कि झारखंड में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। फिलहाल 6 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और फिर से अगर लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात आती है तो इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिससे कि आप लोगों को स्पष्ट जानकारी हम भी दे सकें। फिलहाल झारखंड में लॉकडाउन बढ़ने की उम्मीदें तो है, आशंकाएं तो है, लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो यह कहना सही नहीं होगा कि झारखंड में लॉकडाउन बढ़ने वाला है। बहरहाल बिहार के लॉकडाउन को लेकर हमने आपको जानकारी दे दी कि किस तरह से वहां पे गतिविधियों को लेकर कुछ छूट दी गई है, और साथ में शादी विवाह को लेकर 50 लोगों की अनुमति है, श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। झारखंड से संबंधित जब कभी खबर आती है, अगर आज ही नोटिफिकेशन जारी होता तो भी, और अगर कल सरकार इस पर कोई निर्णय लेती है तो भी, आपको द फॉलोअप की टीम समय पर आकर आपको वो जानकारी देगी। बहरहाल हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना का जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। ऐसे में हम सभी की जरूरत है, हम सबों को जरूरत है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने की पूरी जिम्मेवारी उठाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और हम उम्मीद करते हैं, द फॉलोअप की पूरी टीम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, और जो लोग नहीं भी हैं, जो संक्रमण के चपेट में हैं, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, और जो जरूरी गाइडलाइन दिए गए हैं इन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब हमने लगभग लगभग दे दिया, इसके इतर कोई और बात कहने को नहीं है क्योंकि गाइडलाइन में यही बातें लिखी गई हैं जो हमने हूबहू आपके सामने, पूरी विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने हमने पेश की और आपको बताया। इसी नोट पर हम खत्म करते हैं आप सबों के बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और जहां भी हैं अपने आप को आप बेहतर ढंग से आइसोलेट करके और सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। बाकी खबरों के लिए द फॉलोअप देखते रहिए। नमस्कार।